एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गढ़वाल की एक चटनी की रेसिपी, जो कि है भंगजीरे की चटनी। और ये गढ़वाल में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आज मैं बताऊँगी। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि भंगजीरे की चटनी कैसे बनती है, और ये गढ़वाल में बहुत ज़्यादा होता है खेतों में, और इसको लोग हर कोई बनाता है। काफ़ी टेस्टी होती है इसकी भंगजीरे की चटनी, और गर्मियों के लिए तो बेस्ट है ये। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे ये बनती है और इसमें हम क्या क्या इंग्रेडिएंट डालते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चटनी बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है वो है ये भंगजीरा, जो कि रागी की तरह दिखता है, यानी कि मंडुए की तरह दिखता है ये। और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ज़ीरा, लहसुन की कुछ कलियाँ, हरी मिर्च, धनिया, और लास्ट में ये वाला डलेगा जब मैं इसको पीस लूँगी। और उसमें डालूँगी मैं ये अनार की कुछ दाने। अगर आपके पास अनार है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। और अभी मैं इतने इतने इंग्रेडिएंट डाल के इसको बनाने वाली हूँ। तो पहले इसको मैं तवे में हल्का सा भूनूंगी, ताकि इसमें कच्चे वाली जो स्मेल है आती है, कच्चे मतलब टेस्ट में भी कच्चा सा फील होता है, तो वो निकल जाएगी। इसको हल्का सा पकाऊंगी तवे पे, और इस उसके साथ इसको भी हल्का सा पकाऊंगी, इसकी कलियों को भी पकाऊंगी, ताकि लहसुन की कच्चे की स्मेल ना आए और टेस्ट में भी कच्चा ना हो। और इसमें मसाले मैं मिक्स मसाले डालूंगी, जो कि जिसमें धनिया सब कुछ है, मिर्ची वगैरह सब कुछ ऐड है, और नमक इसमें डलेगा। तो चलिए इसको भूनते हैं तवे में। अच्छे से भून दिया है, इनको ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो कड़वा हो जाएंगे। ये भी ज़्यादा पकाना नहीं है जीरा, नहीं तो कड़वा सा हो जाता है। और इनमें हल्की सी जब खुशबू आने लग जाए ना, तो उसके बाद इसको निकाल देना है, और इसको हल्का सा ना एक या दो मिनट इसको पकाना है भंगजीरे को। और आपको मुँह में डाल के खा के देखना है, अगर क्रिस्पी हो तो मतलब ये पक चुका है। तो मैं बनाने वाली हूँ इसको सिलबट्टे में, सिलबट्टे को मैंने अच्छे से धो दिया है। आप चटनी बनाने से पहले सिलबट्टे को अच्छे से वॉश कर दीजिएगा, क्योंकि सिलबट्टे में हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, पीसते हैं। तो मैंने जैसे हाल ही में इसमें चेंसा पीसा था, काली दाल, तो उसका टेस्ट थोड़ा कच्चा सा होता है, इसलिए पहले मैंने इसको अच्छे से वॉश कर दिया था दोनों को, सिलबट्टे को भी और इसको भी। तो अब मैं इसमें बनाती हूँ चटनी, तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात का और ध्यान रखना है, इसको ठंडा नहीं होने देना है, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाता है उसके बाद ये अच्छे से पिसा नहीं जाता है, इसमें छोटे छोटे से पार्टिकल छूट जाते हैं। तो जितना ज़्यादा जल्दी हम इसको गरम गरम पीसेंगे तो काफ़ी अच्छा ये पिसेगा, अच्छे बारीकी से ये पिसेगा।
चटनी मैंने अच्छे से पीस लिया और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक। आप देख सकते हो नमक थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है इसमें, मतलब एकदम ज़्यादा भी नहीं, और ये मिक्स मसाला है और इसमें मिर्ची नहीं थी क्योंकि सादा मसाला है जिसको हम खाते हैं। और ये हल्का सा मैं हल्दी डाल रही हूँ और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चीनी की 2-2.5 चम्मच, क्योंकि इसमें खट्टा भी डालूँगी मीठा भी डालूँगी। और पानी के साथ इसको पीस, पानी डाल के इसको पीसने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, इसलिए मैंने पानी पहले इसमें रखा हुआ था बाउल में, और इसी में मैं ये चटनी जो है निकाल के रखूँगी। और ये सारा मैं एक पहले मिक्स कर दे रही हूँ, उसके बाद इसको अच्छे से पीसूँगी। और आप देख सकते हो बहुत अच्छे से पीस किया था, मेरी पसीने निकल गए थे क्योंकि पेट भी है ना, पेट लग रहा था और बहुत दिक्कत हो रही थी। तो इसको मैं इसमें इकट्ठा करके उसके बाद इसमें ऐड करूँगी नींबू खट्टा मतलब। और तो मैंने 2 नींबू ले रखे हैं, तो मैं दोनों को इसमें निचोड़ दूंगी अच्छे से, और जो इसके बीज है ना उसको लास्ट में निकाल दूंगी क्योंकि बीज कड़वा कर देता है चटनी को। और सारे बीज निकालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो मेरी ये जो चटनी है वो काफ़ी अच्छी बन चुकी है, खट्टी मीठी चटनी बनी हुई है। तो आप लोग भी इस तरीके की चटनी बनाइएगा और हमारी काफ़ी टेस्टी चटनी तैयार है।